फालतू ही ना उन्हें गांव में रोतो फर छोरान के साथ। शादी कर दो ओकी, जब लाड़ी आगी सुधर जागो। खुद का तो ठिकाना नहीं है, लाड़िए कैसा संभालेगो। अभी 2 घंटा बाद अपने लड़की देखने चलनो, जल्दी से तैयार हो जाओ। सही में? अरे तो कहीं झूठ बोल रहे हो कहीं? कैसी लगी मैं आपको? वो एक नंबर माँ। ले नंबर तो दे दे, कभी कभी बात ही कर लेंगे अपन फोन पे। पूरा गांव का ध्यान से सुन लीजो, मैं धर्मेंद्र फिलोटिया बोल रही हूँ। 25 अगस्त को हमारी शादी है। तुम्हारे भाई की 25 अगस्त को शादी है? हे भगवान, हमारा सब दोस्त उनको मांडो हो गयो। मारो घर कदे बसेगो, कदे आएगी मारी घरवाली, कदे आएगी मारी सपना की रानी, जो मुझे अपने हाथों से रोटी खिलाएगी, ठंडा ठंडा पानी पिलाएगी, दिन भर मुझसे बातें करेंगी। हे भगवान, मारा घर का ने बुद्धि दे दो, ताकि वे मारी जल्दी से शादी करवा दे, मैं पूरा गांव में भंडारो करवाऊंगो। हे भगवान, लास्ट विनती सुन लो मारी। हाँ राजेश। हाँ धर्मेंद्र, कहाँ है? यही गांव में है यार। तू तो बोली क्यों यार, याद नहीं करे? अरे कई करो यार, मारी तो जिंदगी बेकार है यार। क्यों कही हो क्यों? अरे कहीं नहीं यार, इतनो बड़ो हो गए, आज तक कहीं की छोरी ने पलट के नहीं देखियो, और घर वाला और शादी नहीं करवा रहा, बस घर में अकेलो बैठ के माँ का मार तो रू। और तू बता, तू कहाँ है आजकल? अपन तो सब बढ़िया है यार। हाँ भाभी, गोवा ले जा रही हो घुमा फराबा, और था भाभी एकदम चांद जैसी खूबसूरत है, वो मारो बहुत ख्याल रखे यार। हेलो हेलो, गधा जैसी शकल का दोस्त, उनकी शादी हो गई और गोवा घूम रहा, एक में है यही की यही है, बेकार है यार जिंदगी। लड़की चाहिए खास खास पर हो वो एमए पास पास लाखों में एक। रे धर्मेंद्र। हाँ? अरे बाल्टी से टंकी में से पानी निकाल देते न, मारी कमर दुख रही है। यो ही सब करवाता रहो मार से, नूनी के बापड़ा छोरा को मांडो कर दा, वाके लाड़ी लादा, पानी भर दे कमर दुखरी, यही सब काम करता रहूं यहाँ की जी घरे। बस यहाँ घरे पानी भरवाता रहो मार से, अब मत के दी जो पानी। रे धर्मेंद्र, अब कहीं है यार? वो भैंस को गोबर फैलो है, इकट्ठा करके बटोर दे। अरे यार मम्मी, कब तक काम करोगी तुम? तुम्हारी उम्र हो गई, अब तो बहु ले आओ। और मार से तुम्हारा ये दुख है नी, देखो नहीं जा बिल्कुल भी, जब बहु आ जाएगी तो सब काम कर लेगी, वाह तुम्हारो काम कम हो जाएगा, सुख हो जाएगा तुम्हें सुख, और मैं भी हो जाएगा। बात तो तू सही कह रही हो है, आज थारा पापा से थारा मांडा की बात करूंगी। हाँ, बहुत दिन बाद आज की तुमने पता की बात है नी, मैं मम्मी जल्दी जल्दी जाके गोबर कर दूँ भैंस के नी, और तुम पापा से बात कर जाइए, जाओ है नी। हो मैं निकला हो गड्डी लेके की रस्ते में, और सड़क पे एक मोड़ आया कि अच्छे दिल छोड़ आया कि अच्छे दिल छोड़ आया। ले धर्मेंद्र की मम्मी जल्दी रोटी दे दे, भूख लग रही। ठीक है, थोड़ा सबर रखो, खाना बन रहे हो है। और ये धर्मेंद्र कहाँ गयो, दिख ही नहीं रही आज। गए होगा कहीं? फालतू ही ना उन्हें गांव में रोतो फरे छोरान के साथ, और छोराने देखो काम धंधो करे, और यो फालतू घरे बेटियों बेटियों रोटियों ठूंसतो रहे।
शादी कर दो की जब लाड़ी आगी सुधर जागो। खुद का तो ठिकाना नहीं है, लाड़ी कैसा संभालेगो। सुधर जागो, जब लाड़ी आगी तब अपने आप लाइन पे लग जागो। मारे आवे के बाद तम भी तो सुधर गया था। रेवा दे भगवान को शुक्र मान जो मारे जैसो पति मिलियो, नहीं तो जंगल में कनक लकड़ी बीनती रहती। हाँ शुक्र मनाओ मारी वजह से भाग खुल गया, नहीं तो दारू पी के नाली में पड़िया रहता। चूर चूर चूर। क्यों रे कहाँ गए तो? पापा वो मांगीलाल को छोरो कल्लू है नी, वाकी मांडा की लगन आई थी तो बतासा लेवा गयो तो। और अपना तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कद बतासा बटेगा। चुप हो जा, ज्यादा मुंडो चलावा लग गयो। एक दीनी जूता की तो दोल डगा देगो। सही बात कह दो तो मिर्ची लग जा। सही तो कह रहो मारो लाल, तम भी तो दिन भर घरे बैठा रहो। अरे छोरा मांडा लायक हो गए हो तो मैं यू ना कि छोरा के लिए कोई अच्छी सी लाड़ी देख ला, बात है दुनिया की करवा लो। हाँ चुप हो जा, ज्यादा मत बोले। रोटी नहीं देना हो तो उसे ही मना कर देनी। करूँ आज कोई से शादी की बात। साले ना के फोन लगाऊ यार। हेलो साले साहब, राम राम। राम राम जी, जी राम राम। और कहीं घरे सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है, तुम तो बढ़िया है नी? अरे अपन तो बढ़िया है, तुम्हारे बेन के होते हुए मुँह कहीं हो सके कहीं है? आज कैसा याद आ गई? अरे मारा साला याद नहीं करूँगा तो फिर कौन याद करूँगा मैं? ठीक है फिर रखूँ। अरे नहीं नहीं, तुमसे एक काम है यार। हाँ, अब आया लाइन पे, कई दिक्कत आ गई? अरे अपने धर्मेंद्र मांडा लायक होगा यार, कहीं की पढ़ी लिखी लड़की देखो रिश्ता के लिए। हाँ आ जाओ नी, अपने बगल में ये एक लड़की तो आ जाओ तुम सुबह, तो धर्मेंद्र भी आ जाओ देख लीजो। हाँ ठीक है, बाकी और घरे सब बढ़िया है नी अपने? अरे वाह यार, और सोईबीन बोती घरे सब? राम राम। हाँ ठीक है, राम 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 राम। अरे धर्मेंद्र की मम्मी कहाँ गई? अरे कहीं नहीं गई, यही तो हूँ। अरे यहाँ बेटी। और इतना खुश क्यों हो रही? अरे बात ही इतना खुशी की है, पहला धर्मेंद्र बुला। बताओ तो सही कई बात है। अरे पहला धर्मेंद्र तो बुला। अरे धर्मेंद्र ओ छोरा, थारा पापा बुला रिया है, जल्दी आ जा। हाँ पापा, कही के रिया? अभी 2 घंटा बाद अपने लड़की देखने चलनो, जल्दी से तैयार हो जाओ। सही में? अरे तो कहीं झूठ बोल रहे हो कहीं है? हो जाओ जल्दी से। आज तो मजा आ जाएगा, पहली बार लड़की को देखूंगा। धन्यवाद प्रभु, तुमने मारी एक ही बार में सुन ली। अगर मैं हसो पतो होती तो मैं पहले ही तुमसे प्रार्थना कर दे। तो ठीक है, अपन बाद में बात करेंगे नी, अभी 2 घंटा बाद लड़की देख बा जानो, और अभी तो नानो भी तो है। धन्यवाद धन्यवाद। अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कब और ओको कितना सता आओगी रानी। अरे कभी तो धर्मेंद्र की धुलनिया बनोगी, टिंग 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 टिंग, मुझसे शादी करोगी, ओ मुझसे शादी। कभी तो धर्मेंद्र की धुलनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, टिंडी डिंडी डी, और मुझसे शादी करोगी। ओ धर्मेंद्र की मम्मी हो गई कहीं तैयार? अरे आ रही हूँ, थोड़ा सबर तो रखो। अरे इतनी तैयार हो रही थे, थोड़ी मांडो करनो। तुम भी तो तैयार होया था। नहीं छोड़ा है और देखूं। अरे धर्मेंद्र हो गए हो कहीं तैयार? आप हो गयो, बस थोड़ा सा और रुक जाओ। अरे जल्दी कर, 12 बजे तक पहुँचनो है। अरे पहला नहा तो लान दो, ऐसा नहा के जाऊंगा कि लड़की भी देख के बोलेगी मुझे यही लड़का चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। हाँ।
वाला सब तैयार होबे में लग रहा, मारे लिए तो जगह ही नहीं बची, मैं कांची उकाल डायो। सबसे पहले तैयार हो जाऊंगा जल्दी। एक बार आजा 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 आजा। अरे यार ये अच्छी नहीं लग रही, दूसरी फिल्म। ये तो मांगीलाल का छोरा कल्लू के जैसी लग रही यार। ये पूरो कालो कालो ही जाओ यार, कहीं दिखे कोई। या फेरू सफेद वाली, या मैं अच्छा राजा बाबू गई लगूंगा। सही हाँ, सफेद सफेद। बाकी जी के सब देख के नहीं दंग रह जाएगा। अगर छोरो आयो के उपाव ये हाय, आई लव यू। टी शर्ट में रे, टी शर्ट में परफ्यूम लगा वह, टी शर्ट में हा, टी शर्ट में रे, टी शर्ट में परफ्यूम लगा वह, टी शर्ट में आ रहा हूँ मैं जिंदगी तेरे पास। छोरी भी कहेगी कि इतनो गोरो छोरो तो आज तक नहीं देखे मैंने। हाँ है, पसंद है। वाह यार, आज तो मैं खुद से भी ज्यादा गोरो लग रही हूँ। हाँ, छोरी भी देख के बोलेगी आज तक मैंने इतना गोरा लड़का नहीं देखा, क्या इंग्लैंड से आया क्या। हाँ, अरे धर्मेंद्र हो गए कहीं तैयार। हाँ पापा, आ रहे हो? पापा कैसे लग रहे हो? यो कसो मुंडो कर रहा है क्यों? अतनो पाउडर लगा, छोरी देख के डर जाएगी। और ये कपड़ा कैसा पहन रहा है, क्या फटिया फटाया? अरे पापा ये तो नई जमाना की फैशन है। फैशन है तू जूता की? सब फैशन हेड़ दूंगा, जब पेंट बदल के कार में बैठ जा जल्दी। हाँ हाँ, अभी जा रही हूँ 2 मिनट में। अरे जल्दी आ जा, और कितनी देर लगेगी। अरे आ रही हूँ। दो ही माँ बेटा एक जैसा है, टाटा सुमो रेडी खड़ी है। अरे आई तो गई हूँ। अरे नानी तो देर लगा दी। अरे रूमाल काय बांध के रखा है? अरे ऐसा नहीं गाँव की। अरे मारे पास इससे भी अच्छी महंगी साड़ी है, अभी बदल के आती हूँ। अरे रेंदा यही तो बढ़िया है। अरे ना साड़ियाँ ही बदलती रहेगी यही। ले छोरा तू आजा जल्दी बैठ गाड़ी में, ये तो नखरे ही ऐसा ही है इनका। जल्दी बैठ। अरे आजा जल्दी, यही करता रहेगा पानी आ जाओ। आइए बैठिए बैठिए। हमारी छोरी तो बिल्कुल सीधे सादी गाय है, गाय। तो हमारा छोरो भी ग्वालो है, ग्वालो। अरे वहां कहीं झांक रहे हो, कहीं नाक कटवाओ, कहीं कुर्सी पे आके बैठ जा। पढ़ाई करता है? हाँ पढ़ाई करता है ना। कहाँ पढ़ता है? आड़ी बाड़ी में। कहाँ? आड़ी बाड़ी में। अरे अरे वो तो मजाक कर रहे हो, भोपाल का कॉलेज में पढ़वा जा, भोपाल का टॉप कॉलेज में। वहाँ की मम्मी ने भी वहीं से पढ़ाई करी। काम क्या करते हो? यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हो? अरे यो भी तो काम ही है। अरे लड़की तो बुलाओ। हाँ हाँ हाँ,
अरे छोरी तो बुलवा दो, कैसे बिठाए रखोगा? हाँ हाँ बुलवाओ। अरे बेटा मधु चाय लेके आओ। हाँ हाँ चाय लो, ठंडी हो जाएगी। नहीं तो बिस्कुट बिस्कुट हाँ नहीं हाँ तो बढ़िया है, बिस्कुट तो ले ले। बेटा बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, शर्माओ मत। शर्मा है बेचारी। हमें लड़का पसंद है, थोड़ा शर्माता है लेकिन बहुत अच्छा है। हमारी ओर से रिश्ता पक्का। अरे धन्यवाद धन्यवाद। बेटा मधु धर्मेंद्र को अपना मकान दिखाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ। बहुत बढ़िया जोड़ी है। कैसे हो जी? एक नंबर, बहुत बढ़िया है अपन तो, जकास। डांस तो बहुत अच्छा कर लेते हैं आप। अरे कहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कूद लूं थोड़ा बहुत। कैसी लगी मैं आपको? एक नंबर माँ लिनी हेमा मालिनी। मुझ में क्या अच्छा लगा आपको? आपकी गुलाब जामुन जैसी आंखें, लंबे लंबे काले सांप जैसे बाल, टमाटर जैसे गाल और रसगुल्ले जैसी नाक, और ये कचरे जैसी ड्रेस, जैसे शहद के डब्बे में पूरी डूबी हुई चम्मच जैसी हो। इतना झूठ कैसे बोल लेते हो? झूठ थोड़े बोल रहे हो, भगवान का संग। ले नंबर तो दे दे, कभी कभी बात ही कर लेंगे अपन फोन पे। मेरे पास फोन नहीं है। अरे तो टेंशन क्यों ले रही, मैं हूँ ना, मैं लेके आया हूँ आईफोन 13 तुम्हारे लिए। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। हाँ बड़े स्वीट हो जी। हाँ थोड़ा थोड़ा। आप भी मुझे पसंद हो। अच्छा मैं चल। हाँ हाँ बाय बाय बाय। सर्व मंगल मांगलिये सर्व शिवाद साधिके शरण नेत्रम्बिके गौरी नारायणी नमस्ते ओम स्वाहा। धर्मेंद्र की शादी हो रही है गादिया गांव में, उनकी टीम बैठी है उनके साथ स्वाहा। ओम पंडित जी। हाँ दुल्हन को दाई तरफ बिठाऊंगा कि बाई तरफ? देखो बेटा बिठाने का तो ऐसा है, कहीं भी बिठा लो, पर बाद में तो माता पे बैठनी है। अरे यार ऐसा डराऊ मत यार पंडित जी। देखो बेटा मैं झूठ नहीं बोलता, सच बोलता हूँ। ओम स्वाहा। वधु को बुलाइए। पंडित जी वधु नहीं, उसका नाम मधु है, मधु को बुलाइए। ले आजा तू, बन जा पंडित है, अगर गलत सलत मंत्र पढ़ जाने तो माता बैठ के नागिन डांस करेगी। पंडित जी ज्यादा मत बोलो। ए! ए, पंडित जी ए! पंडित जी मधु मधु। अरे पंडित हट जा मधु। अरे पंडित अरे खाओ मधु। मधु मैं यहाँ कैसा आ गयो? और मधु का है? अरे तू वहाँ छत पे बेहोश पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से उठा के लाया थारा पापा। और मारी सगाई पक्की हो गई?
हाँ थारी शादी 25 अगस्त को है। अरे भगवान थैंक यू मेरा बजवाओ, अरे जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ मेरी शादी करवाओ। हेलो हेलो पूरा गांव का ध्यान से सुन लीजो, मैं धर्मेंद्र बिलोटिया बोल रही हूँ। 25 अगस्त को हमारी शादी है, पूरा गांव का ने पूरा परिवार समेत आनो है और अपना रिश्तेदार उन्हें भी फोन लगा लगा के बुला लीजो। अरे एक ही बात तो शादी हो रही अपनी, ठीक है नी? और अपन ने शादी में नी दाल बाफिया गुलाब जामुन रायतो रसगुल्ला सब बनवाया है, सब खाके जा जो, ठीक है नी? और अपन ने डीजे भी बुलवाए, बारात में भी चलूंगा सब, ठीक है नी? तो ध्यान रखो, जय राम जी की। बहुत कमर दुख रही, खेत में दवाई छिड़क के आयो। धर्मेंद्र, अरे धर्मेंद्र इधर आ इधर आ, बहुत खुश नजर आ रही हो। कई बातें बात तो सही कह रहे हो यार बेटा, तो कहीं ना कहीं तो छुपा रहे हो हमसे। अरे बात ये सी है, तुम्हारे भाई की 25 अगस्त को शादी है। अरे वाह थारा तो मजा यार धर्मेंद्र, कहीं पीबा वीबा की व्यवस्था है कि नहीं? अरे तू टेंशन क्यों ले रही हो, बियर की बोतल खुलवा दूंगा, बोतल। भाभी को फोटो तो दिखा दे। हाँ फ्री में देख ले फोटो, पैसा लगे पैसा। हाँ जा रही हूँ मैं तो, हो मैं तो धर्मेंद्र भैया की शादी में जाऊंगा। भाई मैं तो जा रही हूँ मैं भी। आज तो पूरा गांव का ने सबे नो तो दे दूंगा, एक आदमी भी नहीं छोड़ू। हाँ ओ मनोहर दादा, राम राम। 25 अगस्त को शादी है अपनी, पूरा घर वाला ने लेके आज है नी, ठीक है? राम राम। ओ बा राम राम, 25 अगस्त को शादी है अपनी, पूरा घर वाला ने लेके आज है नी, गुलाब जामुन रायता तो सब बनवाए अपन ने, ठीक है नी? राम राम। हाँ ओ भाभी नमस्ते, 25 अगस्त को शादी है अपनी है नी, दो दिन पहले आनो है तुम्हें, क्योंकि हल्दी कुल लगा हुए। आजो भाभी है नी? हाँ भैया आए, ठीक है नी? ओ दादा राम राम, 25 अगस्त को शादी है अपनी है नी। हाँ पूरा घर का आने आनो, और अपने भोपाल वाला फूफा जी है नी, उन्हें फोन लगा के बता दीजो। हाँ नी तुम्हें लुकिएगा, मो तो बुलाया ही नहीं शादी में नी, ठीक है नी? तू भी आ जाओ। वाह राम राम, 25 अगस्त को शादी है हमारी है नी, और तुम्हारा दांत कमजोर है नी, जाके लिए मैंने दाल बाप लिए भी बनवाया, ठीक है नी? नुकटी भी, ठीक है नी? पूरा घर का ने लेके आज है नी, तुम्हारी बात तो ऊपर है मैं। हाँ ओ राम राम, 25 अगस्त को शादी है अपनी, पूरा घर वाला ने लेके आनो है नी, दाल बाप लिया रायतो नुकटी सब बनवाया अपन ने। हाँ बाहर से बुलवाया था हलवाई, और तम है नी दो दिन पहला छुट्टी ले लीजो ड्यूटी से। हाँ नित मैं कहीं नहीं जानू है नी, क्योंकि एक बार शादी हो रही हमारी, कोई बार बार थोड़े होगी है नी, ठीक है? राम राम। और आगे कह दूं सबसे, दादा राम राम, 25 तारीख को आना है ध्यान से है नी, एक दिन पहले से रोटी मत खा जो तुम है नी। हाँ ठीक है नी राम राम। और मैं नोलंगा काय का नोता दे रही हो? अरे 25 अगस्त को शादी है, पूरा घर कान के साथ आज है नी। वह तो ठीक है, पर ये आधा दूरा कपड़ा क्यों पहन रहा? अरे बेंडा अबे तो सगाई हुई नी, जैसे आधा कपड़ा पहन रहा क्या? पूरा कपड़ा तो शादी के दिन पहनूंगा नी, ठीक है नी? और भोपाल वाला मामा जी बुला लीजिए। ओ हरिओम दादा। राम राम। राम राम। 25 अगस्त को शादी है अपनी, गुलाब जामुन रायतो तो रसगुल्ला सब बनवायो, पूरा घर कान के साथ आज हाँ। गोपाल दादा, 25 अगस्त को शादी अपनी, पूरा घर कान के साथ आनो है। हो टेंट वेंट का जो कभी? अरे यार इतो बड़ो काम तो भूल ही गयो मैं, टेंट के बिना तो कहीं काम ही नहीं होगा। नंबर नंबर लिख लो, मैं दे दूंगा नंबर। बताओ बताओ। 99 26। हाँ 41 55। हाँ हो गया हो गया। हेलो हाँ टेंट वाले भैया, धर्मेंद्र बिलोटिया बोल रहे हो मैं, 25 अगस्त को शादी अपनी। हाँ अरे लंबो छोड़ो, 2 बीघा को टेंट चाहिए अपन है तो। हाँ हाँ अरे एडवांस पैसा फोन पे कर रही हूँ मैं, तुम्हारा यही नंबर देनी, ठीक है? जय राम जी, जय राम, जय राम। आप तो सबे नोता दे दिया, कोई बच्चे तो नहीं यार? ओ मेरो विदेश को दोस्त तो रह गयो यार, ले रे अक्स। हेलो माय फ्रेंड ले रे अक्स, आई एम धर्मेंद्र बिलोटिया, या यू कम माय शादी 25 अगस्त। यस यस आई एम मेकिंग गुलाब जामुन रसगुल्ला बापलिया। हाँ आई एम डांसिंग गर्ल बुलाइंग और पार्टी एंड फुल मेकिंग
या यू एंड कम इंडिया माई गादिया ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, भूल नहीं जाना, आई एम वेरी एक्साइटिंग यू कम। बहुत दिनों से नहीं मिलिंग, वेरी वेरी खुश होइंग। हाँ याद रखिंग 25 अगस्त। ओके माई फ्रेंड लिरिक्स, थैंक यू। या ओके। अब तो मेरे विदेश को दोस्त भी आ जाएगा। अब सब हो गया है नी, ठीक है अब घर चलूं। मम्मी मम्मी कहीं हो गए? थारा पापा से पूछ। अरे कहीं हो गए अनंग, मुंडो तो करो, मुंडो क्या छुपा रखियो? जब तक मैं थारो मांडो नहीं करवा दू, मैं ते मुंडो नहीं दिखाऊंगो। अरे हो कहीं गए यार? बेटा तू आराम से बैठ जा, ते बहुत बड़ो झटको लगवा वालो है। हाँ तुम तो बताओ कहीं होगा जल्दी बेटा? वो अरे कहीं वो बताओ नहीं जल्दी बेटा, वो मधु दूसरे लड़के के साथ भाग गई। ए पापा, ए मम्मी, मम्मी भगवान, तेने हसो क्यों करियो मारा छोरा के साथ? मारो छोरो साफ दिल को थोरे। ए भगवान, तमे मैं मिलो तो कई ए? अब मैं सबे कई मुंडो दिखाऊंगो। हाँ और मारी शादी हो भी गी कि मैं कवारे मर जाऊंगो। अरे हाँ मम्मी पापा, बड़ी मुश्किल से तो सगाई हुई थी। मधु बेटा एक गिलास और है कई? अब पापा वो तो हमें। अरे अरे बेटा डर मत, यहाँ की जगह अपन दो ही दोस्त हैं, और थारी मम्मी पतो नहीं चलेगी। लो पापा, मैं भी टेंशन में है यार, मैं समझू थारी फिल्म। पापा वो फिल्म नहीं, फीलिंग्स होता है। हाँ वही। अरे यार बेटा तू इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? पापा एक ही बहन की आंख धोखो दे गई यार। अरे यार बेटा रो मत यार बेटा, वहां के लिए मैंने कितना सपना सजा लिया था, एकदम सच्चो वालो प्यार हो गया तो मेरे वास्ते। ऐसी बात थी तो वही बतानो थी नी, मैं कही भाई जबरदस्ती थोड़े पकड़ रहे हो तो। ए? मैंने छोरा छोरी का नाम भी सोच लिया था, और वह स्कूल में उनको एडमिशन के लिए स्कूल को भी फाइनल कर लियो तो, कॉन्वेंट स्कूल, फिर भी धोखा दी गई यार। अरे यार बेटा तू रो मत यार, अभी मैं जिंदो है नी। वह छोरी काई में थी यार, बेकार थी वह तो, वहां से भी अच्छी छोरी, बिल्कुल गोरी भूरी, थारे शादी के लिए देखूंगा। हाँ रुक बेटा थोड़ा, घबरा क्यों रही हो? अभी थारी उम्र ही कही है बेटा। यू देख जे मारा खाता से 80,000 रुपया काय का कट गया। पापा वो मधु को आपकी बहू बनाने के चक्कर में मैंने ना उसको iPhone 13 गिफ्ट कर दिया 75,000 का, और बाकी 2,500 रुपए टेंट वाले को और 2,500 रुपए डीजे वाले को एडवांस में दे दिए। थारी जीजी की थारी, तेने छोरी का चक्कर में 80,000 रुपए खर्च कर दिया। मैंने ट्रैक्टर की किस्त भर भर कान के रख रखा था वे। पापा